ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपवा लेंगे। किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है, वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। जो देश के लिए काम करता है उसे अपमानित करना, ये कांग्रेस का इतिहास है। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में, और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर। घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत, ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। कर्नाटका की परंपरा रही है, बड़े से बड़े महात्मा, बड़े से बड़े महापुरुष आकर जनता के बीच चलते थे। कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। कांग्रेस की नफरत उससे परमानेंट हो जाती है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय, अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना, ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। आपको मालूम है पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में, और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं।
इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं, और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है, वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है, अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मुझे ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। और क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं ये भी बता दूं कि एक और चीज आप अगर सीख जाएं तो बहुत अच्छा होगा, जनता की आवाज सुनिए। ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, जो महंगाई से जूझ रही हैं, जो सुबह से शाम तक काम करती हैं, लेकिन आप कोई सुविधा नहीं देते इनको, इनकी बात सुनिए। इनके लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनको आगे बढ़ने के लिए कुछ करिए। ये मेरे गन्ने के किसान भाई यहाँ बैठे हैं, इनकी बात सुनिए, इनका दुख सुनिए। जो आपकी सरकार पिछले 3.5 सालों से इन नौजवानों के भविष्य को लूट रही है, इन नौजवानों की बात सुनिए। इस देश की परंपरा रही है, कर्नाटका की परंपरा रही है, बड़े से बड़े महात्मा, बड़े से बड़े महापुरुष आकर जनता के बीच चलते थे, जनता के सामने झुकते थे, जनता का आदर करते थे, और यही हमारे लोकतंत्र की नींव है। और इसी नींव को कांग्रेस पार्टी ने डाला, इसी सिद्धांत को लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनती हैं।